हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों, मैं पहले भी जीएसटी ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं और मैंने आपको सही चीजें बता दी थी कि अब आप जब अपना जीएसटी R1 फाइल करने के लिए जाएंगे पोर्टल पे, तो वहां पे जो जीएसटी R1 का टेबल है वो कुछ अलग देखने को मिल सकता है। जीएसटी पोर्टल पे उसको चेंज कर दिया गया है और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको अपना जीएसटी R1 किस तरीके से फाइल करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन से टेबल में कौन सा इनवॉइस जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो प्लीज ज्यादा पैनिक मत होइए कि जीएसटी R1 चेंज हो गया, अब मैं किस तरीके से रिटर्न फाइल करूंगा, क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। जैसे पहले रिटर्न फाइल होता था वैसे ही अभी भी होगा, लेकिन बस थोड़ा बहुत चेंज करा गया है टेबल को लेकर। किस तरीके से चेंज करा गया है और क्या नई चीज देखने को मिल सकती है, चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं। आप जब लॉगिन करके आएंगे और जब आप फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यानी जिस मंथ का आप रिटर्न फाइल करने की मंथ सेलेक्ट करके अपने रिटर्न फाइल करने जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने नवंबर मंथ सेलेक्ट करा, सर्च पे मैं करूंगा क्लिक, ऐसे ही अभी तक होता हुआ आ रहा था और आप लोग भी करते हुए आ रहे थे। बाहर आप देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर है सेम वैसे ही जैसे पहले भी था, लेकिन जब आप अब जीएसटी R1 पे क्लिक करके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो टेबल देखने को मिलेगा वो बिल्कुल अलग मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यानी इसको अब तीन टेबल में डिवाइड कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जब हम जीएसटी R1 में क्लिक करते थे तो वहीं पे एक ही जगह पे सारी चीजें हमें मेंशन करनी होती थी। अगर किसी भी इनवॉइस को अमेंड करना चाहते हैं, चाहे वो B2B से रिलेटेड हो, क्रेडिट डेबिट नोट से रिलेटेड हो, B2C लार्ज से रिलेटेड हो, B2C अदर रिलेटेड हो, एक्सपोर्ट इनवॉइस हो, या फिर एडवांस रिसीप से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आपने गलत कर दिया हो, मतलब उसको ठीक करना चाह रहे हो, या आप कोई B2B इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, B2C अदर इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, B2C लार्ज इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, HSN वाइज समरी अपलोड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट इशू अपलोड कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक ही जगह पे होती थी और ये मेरे ख्याल से होजपूज भी होता था, बिल्कुल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता था। कई बार तो ऐसे भी होता था कि हमें B2B में अमेंडमेंट करना होता था लेकिन गलती से हम B2C में अमेंडमेंट कर देते थे क्योंकि सारे टेबल एक ही जगह हमें देखने को मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यानी ये जो मिस्टेक होता था अब मेरे ख्याल से अगर होगा भी तो 1% इक्का तुक्का ही होगा जो हो सकता है, वरना अब ये मिस्टेक भी नहीं होगा। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि अब आप अपना जीएसटी R1 जब फाइल करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे। आपके जितने भी इनवॉइस सप्लाई से रिलेटेड है, यानी जितने भी आपके आउटवर्ड इनवॉइस हैं, चाहे वो B2B हो, B2C लार्ज हो, B2C अनरजिस्टर्ड हो, एक्सपोर्ट इनवॉइस हो, जो भी आपके सप्लाई से रिलेटेड इनवॉइस है, आप एड रिकॉर्ड डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वो सारे के सारे टेबल देखने को मिल जाएंगे और आपको इन्हीं टेबल में आके उन सप्लाई से रिलेटेड इनवॉइस को अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे B2B इनवॉइस, B2C लार्ज इनवॉइस अगर आपको अपलोड करना है तो इस पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इनवॉइस अपलोड करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है, B2C अदर से रिलेटेड कोई इनवॉइस है तो आपको इस पे अपलोड करना है। यानी कुल मिला के ये कहना है कि अगर आपके सप्लाई से रिलेटेड जो भी इनवॉइस है आप इस डिटेल टेबल पे आके क्लिक करेंगे, जो भी आपके रिकॉर्ड होंगे इस पे आके क्लिक करेंगे और इन टेबलों में आके उस इनवॉइस को आपको अपलोड करना है। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे एक नई चीज और ऐड करी गई है जो कि बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सपोज कीजिए कि आपने 100 इनवॉइस अपलोड करे B2B के अंदर और उसमें से 60 इनवॉइस अपलोड हो गए हैं, बचे 40 इनवॉइस जिसमें से 30 इनवॉइस प्रोसेस में है और 10 इनवॉइस पेंडिंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में टिक हुआ पड़ा है, तो जितने भी आपके इनवॉइस अपलोड हो गए होंगे, जो कि 60 इनवॉइस अपलोड हुए एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे 60 लिखा हुआ आएगा और ये टिक ग्रीन कलर में आएगा, जिसमें से 30 इनवॉइस आपके क्या थे, प्रोसेसिंग में थे, तो ब्लू कलर में वो आपको देखने को मिलेगा यहीं पे ही, और जो 10 इनवॉइस पेंडिंग है वो भी आपको यहाँ पे रेड कलर में देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरीके से। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। रेड का मतलब पेंडिंग है और ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ना, ये यानी ये प्रोसेस में चल रहा है और जो भी इनवॉइस आपके अपलोड हो चुके होंगे वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो नई चीज है, शायद आप देखें तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या है। तो अगर आपके केस में ऐसा होता है तो समझ जाइएगा जो चीज मैंने आपको बताया है वही आप लोगों के साथ हो रहा है। अब चलते हैं कि अगर आपको अमेंडमेंट करना होगा किसी भी इनवॉइस को तो आप वो कहां करेंगे। आप इस अमेंड रिकॉर्ड डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी इनवॉइस अमेंड करना है वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पे
करने को मिल जाएगा। यानी बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही फ्रेंडली टाइप कर दिया गया है GSTR1 को। अब आप अपना GSTR1 जब फाइल करेंगे तो आपको आसानी से पता होगा कौन सा इनवॉइस कहां पे मुझे अपलोड करना है या फिर मेंशन करना है। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर ईवे बिल एप्लीकेबल होता है और आप ईवे बिल को डायरेक्टली बिना ईवे बिल साइट पे जाके डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको समरी देखने को मिल जाएगा और आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जनरेट GSTR1 पहले भी करते थे, अब भी करना होगा, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा बहुत चेंज करा गया। क्या करा गया है, जैसे सपोज कीजिए आपने इस B2B के अंदर 100 इनवॉइस अपलोड करे और आपको लगा कि कोई, चलिए मैं आपको पहले पूरा क्लियर कर देता हूं। आपने 100 इनवॉइस यहाँ पे अपलोड करे, B2C भी इनवॉइस कर दिया, यानी सारे के सारे इनवॉइस आपके जो भी थे आपने यहाँ पे अपलोड कर दिए और उसके बाद जो भी आपके अमेंडमेंट थे आपने यहाँ पे भी कर दिए। इसके बाद आप क्या करते थे, हम जनरेट फाइल पे क्लिक करते थे। जनरेट फाइल पे क्लिक करने के बाद ही सारे इनवॉइस हमारे रिफ्लेक्ट होते थे। उसके बाद हमारा ये जो प्रीव्यू और सबमिट बटन है ये एनेबल होता था, पहले भी होता था, अब भी ऐसे ही होगा। लेकिन अब जब आपको लगेगा कि कोई इनवॉइस छूट गया और उसको मैं अब अपलोड करता हूँ, आफ्टर जनरेटर जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जब आप जनरेट कर लेंगे ना उसके बाद आपको लगता है कि कोई इनवॉइस छूट गया और जब आप उस इनवॉइस को दिखाएंगे तो उसके बाद ये जो प्रीव्यू और सबमिट बटन है दोबारा डिसेबल हो जाएंगे। तो आपको दोबारा जनरेट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ये अनेबल होंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है जैसे हम पहले करते थे, अब भी वैसे ही करेंगे। एक चीज और यहाँ पे देखिए, रिसेट का बटन आ गया। रिसेट का मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई इनवॉइस गलत चला गया है तो आप जैसे ही रिसेट पे क्लिक करेंगे ना, जितने भी आपने इनवॉइस यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। ये थोड़ा बहुत मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगता है। मेरे ख्याल से इनको कुछ इस तरीके से रिसेट कर, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये रिसेट बटन जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रिसेट बटन इन लोगों को हर टेबल के अंदर अलग अलग से देना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए आपके B2B इनवॉइस बिल्कुल ठीक है और B2C में कोई इनवॉइस आपने गलत कर दिया, आप अब रिसेट क्लिक करेंगे तो भाई उस B2C के चलते आपका B2B भी पूरा का पूरा रिसेट हो जाएगा, यानी ये सारे के सारे रिसेट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो हर टेबल के अंदर रिसेट बटन देते, जैसे B2C में गलत हुआ यहीं पे रिसेट बटन देते, मैं इसमें क्लिक करता ये सारे के सारे अपने आप ही रिसेट हो जाते, जीरो हो जाते, तो मैं दोबारा इसको ठीक कर देता। लेकिन एक टेबल की गलती का नतीजा मुझे सारे टेबल को रिसेट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो रिसेट क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप इसके अंदर क्लिक करेंगे कि हाँ भैया कोई B2B इनवॉइस अपलोड करना है, तो जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे सेम चीज आपको देखने को मिलेगी जैसे हम पहले किया करते थे। देखिए कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही चीज है, बस इन्होंने टेबल का फॉर्मेट जो है उसका नजरिया अलग कर दिया है और थोड़ा डिफरेंट कर दिया है और फ्रेंडली भी कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम फैमिली के मेंबर नहीं बने तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।